हेलो बच्चों, हम आपका चैप्टर 4 कर रहे थे कंप्यूटर में। उसके अंदर हमने आपको क्या था, एडिटिंग द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाके सबसे पहले आपको एमएस वर्ड टाइप करना है। एमएस वर्ड करके ओपन करना है। जैसे ही आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, इस तरीके से वो लोड होता है। ठीक है, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपने ब्लैक डॉक्यूमेंट, जैसे ब्लैक डॉक्यूमेंट या कोई आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाना है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और मेन काम है आपको कैसे एडिट करना है। जैसे अगर आपने इसके अंदर कुछ भी टाइप किया, आई स्टडी इन, अब मैं इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करूँ, अब आपको इसको चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है। अगर आपको जैसे ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, अब अगर आपको इसको सिलेक्ट करके इसको क्या करना है, बड़ा फ़ॉन्ट करना है, तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कैसे करोगे, माउस होता है यहाँ पे, मेरा की पैड है। ठीक है, माउस में आपने क्या करना है, कर्सर को इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लेना है, जैसे स्टडी पे किया तो उसको आपने यहाँ से डबल क्लिक, सिंगल क्लिक सब कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो चेंज करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक करके माउस से ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दोगे। इसको आपने अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट होता है वो चेंज कर दोगे, बड़ा हो गया, राइट। अब अगर आपने इसके अंदर कुछ एडिट करना है, यानी कि अब इसके अंदर आपने और एडिट एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप वो लिख सकते हो कि आई स्टडी इन, सबसे पहले मैं लिखती हूँ जैसे कि थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास। लेकिन अब क्या है कि अब मेरे को इसको एडिट करना है, क्योंकि मैं कहाँ पढ़ती हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में नहीं। तो जब हमें एडिट करना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो इस कर्सर को, ये होते हैं आपके एरो बटन, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, यहाँ पे ले जाते वक्त अगर आपको, अब जैसे ये क्लास है यहाँ पे, अब इस कर्सर को जो यहाँ आप देख रहे हो मूव कर रहा है, इसको मैं इससे मूव करके ले जा सकती हूँ। और जब आपको इसको सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, या तो आप माउस की हेल्प से राइट लेफ्ट क्लिक करके उसको डबल क्लिक करोगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, इसी सिलेक्टेड में आपने क्या टाइप करना है, जो आपको रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर आपको कोई वर्ड आपको कट करके पेस्ट करना है कहीं और, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई नेम इज अदा, ओके। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे एडिट करना है यहाँ पे कि मुझे कैपिटल ए चाहिए, तो मैंने कर्सर को मूव किया, बैक स्पेस करके किया और उसमें मैंने कैपिटल ए लगा दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि पूरी की पूरी लाइन मुझे कॉपी करके, कॉपी नहीं कट करनी है और नीचे की तरफ लेकर आनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटर करके कर्सर यहाँ ले आए कि जहाँ पे मुझे कर्सर पे चाहिए, और कौन सी लाइन, यहाँ ये वाली लाइन मैंने क्या किया, कट करनी है। पहले उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये क्लिप बोर्ड, कोई बच्चे पूछे थे क्लिप बोर्ड क्या होता है, ये आपका होता है क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड में कॉपी का भी ऑप्शन है, कट का भी ऑप्शन है और पेस्ट का भी ऑप्शन है। जैसे ही आपने जो सिलेक्ट किया है तभी ये आपका ब्लिंक करेगा कि हाँ भाई ये आप इसको कट कर सकते हो। आपने कट किया, वो वहां से गायब हो गया। अब जहां पे आपको लेकर आना है वहां पे आप कर्सर लेकर आए, यहां से या तो आप करोगे राइट क्लिक माउस पे, तो आपका राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे आ गया। और अगर हमने कॉपी करना हो, यानी कि ये यहाँ पे भी रहे, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया पूरा। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसको अगर अंडू करूँ, जैसे ये मेरा गलत हो गया, राइट, तो मैं इसमें क्या करूँगी, अंडू करूँगी। अंडू यानी कि जो मैंने किया वो वापस से कर दो, ये अंडू का ऑप्शन है, इसको एक बार क्लिक करोगे तो ये वापस से वही हो गया, इसे कहते हैं अंडू। और अगर आपको रीडू करना हो, यानी कि जो अभी मैंने किया था वो मुझे दोबारा से चाहिए, तो ये होता है रीडू का ऑप्शन, कि वापस से वो करो जो हुआ हुआ था, ये हो गया, ये फिर से अंडू।
अब मैंने क्या करना था, मैंने आपको कट का बताया है और कट पेस्ट का, कॉपी पेस्ट का तो सिलेक्ट किया। फिर से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद उसकी नई लोकेशन पे, ओरिजिनल लोकेशन से नई लोकेशन पे लाके इसको कर दोगे पेस्ट। पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, कट भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, और अंडू और रीडू भी सिखा दिया। अब इसके अंदर अगर आपको शॉर्टकट कीज देखने, जैसे कि अब मुझे कट करना था, अब मैं इस लाइन को अगर मैं करती हूँ कि मुझे इसको कट करना है, तो कट का ऑप्शन क्या की शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, कि मैंने इस लाइन को कर दिया कट करना है, क्लिप बोर्ड पर नहीं जाना मुझे, कीबोर्ड से कट करना, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, जैसे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल और एक्स को एक साथ दबाओगे आपका यहाँ से वो वर्ड गायब हो गया, लाइन गायब हो गई। और जब एंटर करके न्यू लोकेशन पे लाओगे पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करते ही वापस आ गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स होता है आपका कट करने के लिए, कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। और अगर मैं कहूँ कि मुझे उसको कॉपी करना है, यानी कि इसी लाइन को मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसको सिलेक्ट किया माउस की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से, जैसे भी आप कर सको किया। अब मुझे इसको यहाँ से गायब नहीं करना, लेकिन मुझे इसको कॉपी करना है, तो मैंने कंट्रोल सी किया, ये गायब नहीं हुआ, लेकिन ये कंट्रोल सी क्या हो गया, उसके साथ मैच हो गया। हमने नई लोकेशन पे कर्सर लेकर आए हम यहाँ पे, इसे कर्सर कहते हैं, और इसको हमने क्या किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी हो गया पेस्ट, तो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। इसे तो कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट, शॉर्टकट कीज से भी हो गया और क्लिपबोर्ड से भी हो गया, जो यहाँ पे मैंने आपको क्लिपबोर्ड दिखाया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको ये देखना हो, आपको जैसे कहा था कि सिलेक्ट जैसे जैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन अब देखो अगर मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्ट करना हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करते जितना भी आपने लिखा होगा डॉक्यूमेंट में, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, जितना भी लिखा होगा वो सारा एक साथ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट, ठीक है। और अगर सारा सिलेक्ट ना करना होगा, कोई और वर्ड सिलेक्ट करना हो, तो कंट्रोल के साथ आपने एरो को क्लिक करना है, अगर यहाँ से लेफ्ट साइड कर्सर से लेफ्ट साइड में वर्ड क्लिक करना है, तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो क्लिक करोगे। अगर यहाँ पे अगर आपका कर्सर है, जैसे अदा से पहले आपका कर्सर है, ठीक है, और अगर आपको इसके राइट साइड में सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी, कुछ सिलेक्शन ऑप्शन था, और अगर आपको माउस से सिलेक्ट करना सारा डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से, या फिर कंट्रोल प्लस ए, फ़ॉन्ट चेंज करना सबको आता है, ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।